हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पीएफ की टेक्सटाइल फैब्रिक की अगली यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली यूनिट में हमने केमिकल और दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि रेशो में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। आज हम ये देखेंगे कि जैसा आपको पता है कि आज मार्केट में बहुत तरह तरह के टेक्सटाइल फाइबर्स अवेलेबल हैं, तो एक डिजाइनर को या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति को अपनी फील्ड में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए उसको ये पहचानना आना चाहिए कि वो फाइबर्स को कैसे पहचानेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो फाइबर्स को आइडेंटिफाई करने या उनको पहचानने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो कि नॉन टेक्निकल टेस्ट कहलाता है, जिसमें हम फिजिकल टेस्ट को शामिल करते हैं, अर्थात भौतिक परीक्षण। क्या मतलब हुआ कि आप फिजिकली देख करके कैसे उसको देखते ही हम पहचान लेते हैं कि ये कपड़ा कॉटन है, ये कपड़ा सिल्क है या ये वूल है। दूसरी इसमें टेस्ट का जो श्रेणी आती है वो आते हैं टेक्निकल टेस्ट या तकनीकी परीक्षण, जिनमें हम दो प्रकार के टेस्ट करते हैं। एक माइक्रोस्कोप से करते हैं जिसको सूक्ष्मदर्शी परीक्षण कहते हैं, और दूसरे हम इनमें केमिकल टेस्ट करते हैं या जिनको आप रासायनिक परीक्षण करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम फिजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल टेस्ट या भौतिक परीक्षण क्या होते हैं। फिजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आप फिजिकली केवल देखने मात्र से ही फिजिकली आप देख करके कैसे किसी फाइबर को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करेंगे इसका मतलब कॉटन में, कॉटन देखने में कैसा लगता है आपको पता है कि कॉटन को आप देखोगे तो वो कैसा दिखता है, सिल्क कैसा रेशमी चमकदार दिखता है, वूल आपको कैसा दिखता है, रफ सा दिखता है। तो इसमें हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट है। इसमें पहला टेस्ट आता है बाह्य आकृति व दृश्य परीक्षण या अपीयरेंस एंड विजुअल टेस्ट, ठीक है, कि केवल हमें देखने मात्र से वो चीज को हम कैसे पहचान लेते हैं। दूसरा आता है स्पर्श परीक्षण या फीलिंग टेस्ट। जैसे आपको पता है आप जैसे ही किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले कपड़े को छू कर देखते हो कि वो छूने में आपको कैसा दिख रहा है। कॉटन के को आप छूते हो तो कॉटन की फील अलग आती है, सिल्क को आप छूते हो तो सिल्क की फील अलग आती है, और वूल को आप छूओगे तो अलग आएगी। इसी तरह से जूट फैब्रिक को आप छूते हो तो आपको रफनेस का आवाज होता है। तो ये सारे टेस्ट कहलाते हैं स्पर्श परीक्षण या फीलिंग टेस्ट। तीसरा टेस्ट है इसमें रेशा तोड़ परीक्षण या फाइबर ग्रेडिंग टेस्ट। इसमें एक सिंगल फाइबर को तोड़ करके देखा जाता है कि वो किस तरह से टूटता है, और इसी हिसाब से हम फाइबर को पहचान सकते हैं। एक अगला टेस्ट है इसमें बर्निंग टेस्ट या दाह्य परीक्षण, अर्थात आप एक सिंगल फाइबर को जला करके, माचिस की कुंडी से जला करके आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। कॉटन को आप जलाओगे तो उसमें आपको अलग सी गंध आएगी, आप वूल को जलाओगे तो उसको वो अलग तरह से जलेगा और अलग तरह की गंध आएगी। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि हमको फाइबर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। अगला टेस्ट आ रहा है शिकन या सलवट परीक्षण, फ्रीज टेस्ट कहते हैं, कि आपको पता है कि कॉटन में हमारे जैसे ही आप पहनोगे, प्रेस करा हुआ ड्रेस पहनते हो पर थोड़ी देर में वो क्रश हो जाता है, उसमें सलवटें पड़ जाती हैं। उसी तरह से जबकि वूल के स्वेटर हम पहनते हैं 10 बार पहन लेंगे तो उसमें सिलवटें नहीं पड़ेंगी। तो ये क्या है, ये फाइबर्स के अपने गुण है। नेक्स्ट आता है वस्त्र फाड़ने का परीक्षण या फैब्रिक टियरिंग टेस्ट, इसको बोलते हैं कि आप कपड़े को फाड़ते कैसे हो। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप कपड़ा दुकानदार से खरीदने जाते हो तो एक हल्का सा कट लगा के जोर से झटके से कपड़े को फाड़ता है, उसको फाड़ने के स्टाइल से भी आप फाइबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट परीक्षण कहलाता है इंक टेस्ट या स्याही परीक्षण। आप कभी इसको करके देखना कि आप एक कॉटन के ऊपर स्याही की एक ड्रॉप डालोगे वो कैसे फैलेगी, नायलॉन के ऊपर कैसे फैलेगी और सिल्क के ऊपर कैसे फैलेगी। फिर नेक्स्ट है ऑयल टेस्ट या तैलीय परीक्षण। अगला है नमी परीक्षण या मॉइस्चर टेस्ट। अगला है उससे अगला है स्क्वीजिंग टेस्ट या निचोड़ना, और उससे अगला है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट या विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट 11 के 11 टेस्ट नहीं है, पर फिर भी हम इनको जनरल हमारी लाइफ में या लाइफस्टाइल में या अपने उनको पहचानने के लिए इनका प्रयोग आप कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि वन बाय वन मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे कैसे इसमें होता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टेस्ट है अपीयरेंस एंड विजुअल टेस्ट। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉटन। कॉटन को आप देखोगे तो कॉटन देखने में आपको कठोर, खुरदुरा, खुजीदार और थोड़ा सा ठंडा फाइबर दिखता है, और जो कॉटन के फाइबर होते हैं उनकी लंबाई 1.5 से 2.5 इंच तक होती है। अच्छा फाइन कॉटन होएगा तो आपको उसकी सरफेस चिकनी दिखेगी, अदरवाइज अगर रफ क्वालिटी का या छोटे फाइबर से बना हुआ कॉटन है तो वो सरफेस आपको हल्की सी खुरदुरी या रफ भी दिख सकती है, ठीक है। लिनन को जो है, लिनन उसके जो फाइबर होते हैं वो कंपैरेटिवली कॉटन से लंबे होते हैं, इसलिए रेशे चमकदार और स्पर्श में कोमल होते हैं, और चिकनी सतह होने के कारण इन पर धूल मिट्टी या गंदगी टिकती नहीं है और झड़ जाती है।
अगला आता है ऊन की बात करेंगे। ऊन जो है वो स्पर्श में मुलायम और गर्म होते हैं। रेशों का आकार छोटा व लहरदार होता है और रेशे की लंबाई 1 से 3 इंच तक होती है। और ऊन में आपको पता है कि ऊन में इलास्टिसिटी का गुण बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से आते हैं हम सिल्क के ऊपर। सिल्क के रेशे में अद्भुत चमकदार और अद्भुत आकर्षण होता है। वजन में काफी हल्के होते हैं और उनको आप छुओगे तो वो आपको बहुत सॉफ्टनेस और कूलनेस का आभास कराते हैं। अगला आता है रेयॉन। रेयॉन को अगर आप रेयॉन से बने हुए कपड़े देखते हो तो ये भी काफी चमकदार और आकर्षक होते हैं, परंतु इनकी चमक जो है वो सिल्क के मुकाबले थोड़ी कम होती है। नायलॉन और दूसरे थर्मोप्लास्टिक फाइबर, देखिए बच्चों नायलॉन क्या है, 100% आर्टिफिशियल फाइबर है और इसीलिए नायलॉन पॉलिएस्टर जैसे फाइबर्स के लिए एक विशेष टर्म यूज की जाती है, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो जो नायलॉन है वो एकदम आर्टिफिशियली बनता है और इसमें इलास्टिसिटी और दृढ़ता की काफी अच्छा होता है और अगर आप देखने की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें शाइनी होती है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका फीलिंग टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आप शॉप पर जाते हो आप कपड़े को छू करके उसको पहचानने की कोशिश करते हो। आपको कॉटन की छुअन या फीलिंग अलग मिलेगी, आपको लिनन की अलग मिलेगी, आपको वूल की फीलिंग अलग मिलेगी और सिल्क की अलग मिलेगी। ये सारी बातें आप कपड़े को केवल फील करके आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये कौन से प्रकार का कपड़ा है। इसी तरह से नेक्स्ट है रेशा तोड़ परीक्षण। इसमें क्या करते हैं, सिंगल फाइबर को तोड़ते हैं और उसके बाद उसको परीक्षण किया जाता है। कॉटन जो है छोटा रेशा होने के कारण काफी जल्दी से टूट जाता है और उसके रेशे बिखर जाते हैं। और जैसे ही आप कॉटन को तोड़ोगे तो कभी देखना ध्यान से, जैसे ब्रश के ब्रिसल्स निकले होते हैं ऐसे कॉटन के ब्रिसल्स निकल जाते हैं। लिनन के रेशे थोड़े लंबे होते हैं इसलिए थोड़ा देर से टूटते हैं और उसके टूटने के बाद जो उसकी एजेस होती है वो सीधी चमकदार और लंबी रहती है। ऊन के जो रेशे हैं वो फुज्जीदार यानी फ्लफी होते हैं और उनमें इलास्टिसिटी का गुण होने के कारण वो आसानी से खिंच जाते हैं, उनको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। कभी ऊन तोड़ के देखा होगा आपने, ऊन आसानी से नहीं टूटता है क्योंकि ऊन के ये विशेष गुण है, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आसानी से नहीं टूटेगा। इसी तरह से सिल्क के ऊपर आएंगे। सिल्क जो है वो ऊन के समान सिल्क का भी धागा जो है फाइबर जो है वो मजबूत होता है और उसमें इलास्टिसिटी थोड़ी ऊन के मुकाबले कम होती है और टूटने पर उसके जो एजेस होते हैं वो महीन गोल चमकदार सीधे व चिकने दिखाई देते हैं। रेयॉन की बात करें, रेयॉन जो है सूखी अवस्था में ड्राई स्टेज में तो मजबूत होता है परंतु गीली अवस्था में वो कमजोर पड़ जाता है, इसलिए गीली अवस्था में उसका फाइबर आसानी से टूट जाता है। नायलॉन सबसे मजबूत धागा है, वो आसानी से नहीं टूटता है। ये वाली चीज आपने देखा भी होगा कि डेली लाइफ में आप नायलॉन का धागा कहाँ यूज होता है, जैसे पिको में आप देखा करिए, पिको का जो थ्रेड होता है वो नायलॉन थ्रेड होता है, तो जहां पर बहुत मजबूती चाहिए होती है या बीट वर्क में आप जो यूज करोगे वो पॉलिस्टर नायलॉन के धागे होते हैं जो कि काफी ड्यूरेबल होते हैं और आसानी से नहीं टूटते। पिछले वीडियो में हमने 3 तरह के टेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि अपीयरेंस टेस्ट कैसे करते हैं, फीलिंग टेस्ट कैसे करते हैं और फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टेस्ट आता है बर्निंग टेस्ट या इसको आप हिंदी में दाहे परीक्षण भी कहते हो। इसमें हम क्या करते हैं कि फाइबर्स को थोड़ा सा हिस्सा 2-3 फाइबर्स को लेते हैं और उसको जला करके देखते हैं। जब आप जला करके देखते हो तो उनमें उनका इफेक्ट जो है वो अलग अलग आपको प्रतीत होता है। अब ये सारे टेस्ट करने के लिए जो आप मेनली दिन फाइबर्स पे काम कर रहे हो वो कौन कौन से हैं, कॉटन, लिनन, वूल, सिल्क, रेयॉन और नायलॉन और दूसरे थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जलने पर बर्निंग टेस्ट में हम क्या करेंगे कि आप इसमें क्या क्या चीजें करते हो कि सबसे पहले तो आप जलती हुई फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल ले ली या कोई सी भी लॉ होगी उसके ऊपर आप जब उसके पास फाइबर ले जाते हो तो वो कैसे रिएक्ट करता है, जब आप उस लॉ में उस फाइबर को जलाओगे तो वो कैसे जलता है, लॉ के पास से हटाने पर वो कैसे रिएक्ट करता है, जब फाइबर जल गया तो जलने के बाद कैसी गंध आती है, राख जब आप फाइबर को जला देते हो तो उसकी राख बनती है वो राख देखने में छूने में आपको कैसी दिखती है और जलते समय रेशों में कैसी गंध आती है। तो ये सारे आपके बर्निंग टेस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे और बर्निंग टेस्ट बच्चों फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रकार का टेस्ट है। अब इसमें सबसे पहला आता है कि कॉटन को अगर आप बर्न कर रहे हो उसका बर्निंग टेस्ट में, कॉटन को आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है, जलते समय सिकुड़ता नहीं है, जलने के पश्चात उसके किनारे चिकने हो जाते हैं,
जलते समय उसकी लौ ऊपर की ओर पीली और नीचे की ओर से लाल रंग की होती है, ठीक है। और जलते समय इसकी गंध कागज के जलने के समान, इसको इसमें जब आप इसको जलाओगे तो इसमें जैसे कागज जलता है वैसी गंध आती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है, वो सेल्यूलोज होता है, कागज में भी सेल्यूलोज होता है, इसलिए इसमें वही वाली स्मेल आपको प्राप्त होती है। जब जलाते हो तो इसका रंग ग्रे होता है और इसकी राख हल्की सी फुरफुरी होती है, मतलब जैसे आपने देखा फूंक मारो के उड़ जाएगी, तो वो फुरफुरी टाइप की जो है इसकी राख या ऐश होती है। अब आप लिनन की बात करेंगे कि लिनन जो है वो भारी होता है कंपैरेटिवली कॉटन के मुकाबले, इसलिए वो थोड़ा देर से जलता है और इसका कुछ कुछ गुण जो है वो कॉटन के समान ही होते हैं और इसकी गंध भी कागज के समान ही आएगी और राख जो है इसकी वो भूरे रंग की होती है। वूल को जब आप जलाते हो तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली धीमी गति से जलता है। लॉ के पास जब आप इसको ले जाओगे तो लॉ जो है हल्की सी आपको कांपती हुई सी दिखेगी। ऊन के अंदर सल्फर मिश्रण होता है, इसलिए सल्फर जलता है तो उसके जलने पर जैसे जानवर के बाल जलते हैं वैसी सी गंध आती है और जलते समय इसका रेशा पीलापन लिए हुए और नारंगी होता है। जलने के पश्चात वूल की जो राख होती है वो काली कुरकुरी और मुलायम होती है और इसे आसानी से दबाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिल्क। सिल्क जो है वो ऊन की तरह ही जलता है, जैसे ही आप लॉ के पास से उसको हटाओगे तो वो तुरंत बुझ जाएगा। जलने की गंध वैसे ही एनिमल बर्निंग, जैसे एनिमल की गंध आती है या जानवर के जलने की गंध आती है, वैसे ही गंध सिल्क के जलने पर भी आती है। क्यों? क्योंकि वो एक एनिमल फाइबर है। और नेक्स्ट है इसकी जो राख होती है वो काली दानेदार फुसफुसी और कुरकुरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेयॉन। रेयॉन भी कॉटन के समान ही जलता है और कपास के जैसे इसके धागे भी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, कागज के जलने के समान गंध आती है और लौ चमकदार पीली व नारंगी होती है। नेक्स्ट आते हैं नायलॉन और दूसरे थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। मानव निर्मित इन रेशों के पास ले जाने पर जलते नहीं है बल्कि पिघलते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जितने भी ये आर्टिफिशियल थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स हैं ये पिघल। तो क्या पढ़ हम बोल रहे थे कि नायलॉन और दूसरे थर्मोप्लास्टिक फाइबर जो है वो मेल्ट होने लगते हैं, जलते नहीं है, वो पिघलने लग जाते हैं और पिघलने पर लॉ से दूर हो जाते हैं और इनमें केमिकल मिश्रण होने के कारण इनकी गंध जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आती है। अब इसके बाद अगला टेस्ट आता है क्रीज टेस्ट, ठीक है, सल्वर्ट परीक्षण जिसको कहते हैं। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को अलग अलग तरह से देख करके चेक करोगे कि कॉटन के रेशों से बने हुए कपड़ों को या कॉटन से बने हुए वस्त्रों को जब आप दबाते हो तो आपको पता है कि उसमें सलवटें ज़्यादा पड़ती हैं। लिनन जो है उसमें भी कॉटन के समान ही गुण होता है। वूल में इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसी के कारण वो दबाकर छोड़ने पर वापस अपने शेप में आ जाता है, अर्थात क्रश होएगा पर वो थोड़ी देर में वापस उसके जो सलवट हैं वो ठीक हो जाती हैं। सिल्क में जो है क्योंकि सिल्क का भी गुण जो है उसमें प्रत्यास्था कम होती है, इससे बने वस्त्रों में अगर सलवटें पड़ गई हैं तो कुछ समय पश्चात अपने आप वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। रेयॉन में बहुत जल्दी से सल पड़ते हैं और नायलॉन और पॉलिएस्टर में सलवट प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात इनमें सल नहीं पड़ते, इसीलिए डेली लाइफ में नायलॉन पॉलिएस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि सबसे उसकी बड़ी खासियत क्या होती है कि उसमें सल नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि किस तरह के टेस्ट होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और इसके बाद अगले टॉपिक में हम आगे और डिस्कस करेंगे।